योग गुरु बाबा रामदेव ने कुछ देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और उसमें योग गुरु बाबा रामदेव ने जमकर यूपीए सरकार पर निशाना साधा और ये कहा कि भ्रष्टाचार आज एक दीमक की तरह है जो समाज को, देश को खा रहा है। साथ ही फिर से एक बार उन्होंने नरेंद्र मोदी की तारीफ की है और ये कहा है कि नरेंद्र मोदी ने अपनी काबिलियत साबित की है और यही मौका राहुल गांधी को भी मिला, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। पेट के अंदर जो मरोड़ा और दूसरी चीजें होती है उस पर तुरंत राहत उनको मिल जाती है और लंग इंफेक्शन और दूसरे जो कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स साथ में कॉम्प्लिकेशंस के रूप में होती है डेंगू के पेशेंट्स को, उसके लिए तुलसी के पत्ते। तो ये छह चीजों का रस, पपीता एक दो, ये एक बालिश के करीब एक बार के लिए, घृत कुमारी का भी एक दो चम्मच रस, पांच सात पत्ते तुलसी के, और जो है गेहूं का जवारा भी दो तीन चम्मच रस, और पांच सात चम्मच ऐसे ही अनार का जूस। ये पीने से माना किसी का 2,500-5,000 तक प्लेटलेट्स आ गए, 3 से 4 लाख उनका काउंट होना चाहिए, तो एक ही दिन में 25 से 50,000 तक काउंट आ जाते, माने 3 दिन के अंदर पेशेंट नॉर्मल हो जाता है, नहीं तो 2-3 दिन में पेशेंट की मौत भी हो जाती है। यद्यपि ये खौफनाक बीमारी है लेकिन इसका ये प्रामाणिक इलाज है, ये इसका मैंने कहा ना प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, हमने अपने आंखों से, हमारा सबसे पहला पेशेंट जो क्रिटिकल था दिनेश, यही फरीदाबाद का, अपोलो में भर्ती था, डॉक्टर ने कह दिया कि भाई कोई रस पिएगा तो हमारी जिम्मेदारी नहीं, उन्होंने कहा भाई आपने तो बताई दिया कि मैं कभी भी मर सकता हूं तो मैं रस पीता हूं तो दिक्कत क्या है, और 3 दिन के अंदर उसके प्लेटलेट्स 1 लाख के करीब आ गए, बच गए। ये रोज की घटना है। मैं पूरे दिल्ली वासियों से और देश में जहां जहां डेंगू का प्रकोप फैला है सबसे आह्वान करूंगा कि जड़ी बूटियां अपने घर में लगाएं और खुद इनका सेवन करें, किसी को ना मिल पाए तो हम ये गिलोई घनवटी के रूप में लोगों को जो है इसकी गोली भी उपलब्ध कराते हैं। 15 साल से कम उम्र के बच्चे ये गोली, ज्यादा उम्र वाले 2-2 गोली 3 बार ले सकते हैं, और चूंकि बुखार भी कई बार टूटता नहीं है इसका, तो ये जोरनाशक क्वाथ और गिलोई का क्वाथ, ये गिलोई हम लोगों को उपलब्ध कराते हैं जिनको नहीं उपलब्ध है, और ये इसमें हमारे यहां पर सदियों से, क्योंकि 200 साल पहले तो एलोपैथी नाम का कोई इलाज था नहीं, तो लोगों का बुखार आदि ज्वर की चिकित्सा तो आयुर्वेद में सबसे प्रामाणिक है, तो ये गिलोई कालमेघ चिरायता कुटकी नीम पत्र अश्वगंधा तुलसी ब्राह्मी हल्दी, ये कैसा भी बुखार हो डेंगू चिकुनगुनिया से लेकर के स्वाइन फ्लू तक के रोगियों को हमने इससे ठीक किया है। ये गिलोई स्वाइन फ्लू में भी उतनी लाभप्रद है, मैंने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर के अपने सभी कार्यक्रमों में इन बातों को इसलिए रखा क्योंकि कई बार मैंने देखा है बच्चों से लेकर के बुजुर्गों, महिलाओं से लेकर के बड़े बड़े प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, साइंटिस्टों तक की मौत हुई है, कई बार बड़े बड़े पॉलिटिशियंस से लेकर के, बड़े बड़े उद्योगपतियों से लेकर के ये डेंगू की समस्या का उनको सामना करना पड़ा है, लेकिन क्योंकि इसका एलोपैथी में कोई कारगर इलाज नहीं है, यह उसका 100% कारगर इलाज है, सबसे बड़ी बात यह है, और कोई इसका हार्म नहीं है, कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है, इसलिए क्योंकि कई हजार रोगी इस समय डेंगू से दिल्ली में पीड़ित हैं और पूरे देश में भी यह प्रकोप फैला हुआ है और लोगों को समाधान नहीं नजर आता, एक खौफ, एक डर, लोगों के अंदर एक असुरक्षा का भाव बना हुआ है। एक बात मैं और कहना चाहूंगा, जो डेंगू से बचना चाहे वो पहले से ही गिलोई खाते रहे तो डेंगू का प्रकोप ही नहीं होगा, तो ये तो कोई भी जो है ऐसे इसको चबा करके भी इसको खा सकता है, जैसे आम आदमी मान लीजिए ऐसे ही एक गिलोई की डंडी ली और उसको ऐसे ही चबा लिया, ऐसे ही चबाने से थोड़ी सी कड़वी लगती है, चिकनी होती है, ऐसे चबाने से करीब एक बारिश से गिलोई सुबह सुबह खाली पेट खा लेंगे तो आपको डेंगू का प्रकोप नहीं होगा। आप पत्रकार बंधुओं के लिए तो हम एक एक गोली लेकर के एक एक डिब्बी लेके आए हैं जिससे कि आपकी रिपोर्टिंग ठीक चलती है, कभी डेंगू की रिपोर्टिंग करते हुए आपको डेंगू ना आए, तो आपके लिए हमने आज सोचा कि थोड़ा इम्यून सिस्टम आपका अच्छा करने के लिए एकदम प्रामाणिक च्यवनप्राश पतंजलि का और एक एक गिलोई घनवटी की गोली सभी पत्रकारों को दे रहे हैं जिससे आप सुरक्षित रहें और देश भी सुरक्षित रहे। तो ये फॉर्मुलेशन तो खाली गिलोय का एक्सट्रैक्ट है, इसके अंदर गोली में
फॉर्मुलेशन पुनः बता देता हूं, करीब एक बार के लिए एक बालिश्त गिलोय, एक पपीते का पत्ता एक बार के लिए, ऐसा 5-7 बार, और जब ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन होती तो एक एक घंटे में 2-2 चम्मच पिला देते हैं। माने दिन भर के लिए आप समझ सकते हो कि एक इतने हाथ जितनी एक गिलोय की डंडी, 3-4 पपीतों के पत्तों का रस, करीब 50 ग्राम एलोवेरा, 50 ग्राम गेहूं का जवारा, और इसमें 10-15 तुलसी के पत्ते, इतना ये मिलाकर के रख ले। ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन है तो एक बार में तो देने से उल्टी भी हो जाती है, तो थोड़ा थोड़ा करके देते हैं। और एक ही दिन में, एक दिन की तो बहुत दूर की बात है, एक घंटे के अंदर ही पेशेंट का फीवर कम होने लगेगा, प्लेटलेट उसका अप होने लगेगा। नहीं तो प्लेटलेट चढ़ा तो देते हैं लेकिन वो गिरने की स्थिति इस कदर जारी रहती है कि अभी चढ़ाए और अभी गिर गए, तो ये अभी पिलाए और अभी बढ़ गए, ये है चमत्कार इसका, और इसको कोई भी आजमा सकता है, ये एकदम निर्विवादित सत्य है। जैसे कहते हैं ना, प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, ये राम बाण कहो, अचूक कहो, प्रामाणिक कहो, क्योंकि मेडिकल साइंस में जब कोई कहता है ना कि भाई ये तो उसका गारंटेड इलाज है, ये गारंटी शब्द नहीं बोला जाता है मेडिकल साइंस में, लेकिन ये प्रामाणिक, अचूक, इफेक्टिव और इंस्टेंट बेनिफिट देने वाला इलाज है, तो इसलिए मुझे इसको कहना पड़ा, क्योंकि ये बहुत खतरनाक तरीके से ये डेंगू का प्रकोप इस समय फैला हुआ है। सियासी बुखार आदि हैं वो तो चढ़ते उतरते रहते हैं, उनसे लोगों की धीरे धीरे जान जाती है, मर तो रहा है पूरा हिंदुस्तान, बर्बाद हो रहा है, तबाह हो रहा है, लेकिन ये ऐसा है कि इससे तुरंत आदमी की जान जा सकती है, इसलिए इसकी तुरंत रोकथाम के लिए मैंने आपको कुछ उपाय बताए। आज का मुख्य एजेंडा मेरा डेंगू का था, बाकी दूसरे दो बातें मुझे कहनी थी। एक तो सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया कि अपराधी अब चुनाव नहीं लड़ सकेंगे और उनकी सदस्यता रद्द होगी, इसको देश सदा गौरव के साथ याद करेगा। कांग्रेस ने एक पाप किया कि बोले कि हम अध्यादेश ला करके सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ जाएंगे, वो अध्यादेश लेकर के भी आए, लेकिन देश के राष्ट्रपति जी ने साहस किया, उन्होंने कहा कि तुम गलत कर रहे हो, उस पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। कांग्रेस के राजकुमार ने क्रेडिट लेने के चक्कर में कुछ ज्यादा ही बोल दिया, लगता है मनसा तो उनकी अच्छी ही थी, लेकिन उनकी मां ने बाद में समझाया, बेटा आपके शब्द अच्छे नहीं थे, तो जो है उनको समझ में भी आया। लेकिन ये देखो, पूरे देश ने देखा, घोटालों में सबसे ऊपर नाम कांग्रेस का, भ्रष्टाचार में सबसे ऊपर नाम कांग्रेस का, जब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े तो भी रसीद मसूद पहला नंबर, सेकंड नंबर जगन्नाथ मिश्रा जो 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे बिहार के, तीसरे कांग्रेस में और लालू जी में कोई अंतर नहीं है, खाली पार्टियां अलग अलग हैं, बाकी एक ही थैली के दो चट्टे बट्टे हैं, बस इतना अंतर जरूर है कि लालू जी कांग्रेस में नहीं है, इसलिए 1000 करोड़ रुपए से भी कम का घोटाला करने पर उनको जेल में डाल दिया, और ये तो 16 करोड़ रुपए देश के बाहर, 900 लाख करोड़ रुपए देश के अंदर, 1000 लाख करोड़ की भी लूट करके कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व अभी मौज कर रहा है। थोड़े दिनों में शायद ये भी वही पहुंचेंगे, लालू जी से मुलाकात इनकी जल्दी होने वाली है, क्योंकि कारनामे इनके भी लालू से 1000 लाख करोड़ गुना बड़े हैं, और उनसे वसूली भी होनी चाहिए, और उनको वहीं जाना चाहिए जहां आदरणीय लालू जी पहुंच चुके हैं, और वहीं ये सब कपाल भाति अनुलोम विलोम करें तो सबकी बुद्धि शुद्धि भी होगी, और उससे जो है इनको कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत पवित्रता आएगी। वैसे अनुलोम विलोम के रोगी भी, जो डेंगू के जो रोगी हैं वो भी अनुलोम विलोम भी करते हैं, तो उससे भी प्लेटलेट बढ़ता है। एक तो पेशेंट मेरे पास ऐसा है, बोले बाबा 0 हो गए प्लेटलेट, और ऐसे में आदमी की मौत हो सकती है, उसने अनुलोम विलोम ही किया और 24 घंटे में उसके प्लेटलेट बढ़ने शुरू हो गए और वो पेशेंट जिंदा हो गए, नहीं तो आंखें चली जाती, किडनी चली जाती, हार्ट फेल हो जाता है। तो ये अनुलोम विलोम भी प्राणायाम बहुत जरूरी है। दूसरा, चुनाव आयोग ने एक तो किसी को भी वोट नहीं देना, मुझे नो वोटिंग का एक प्रोविजन करके, और एक अभी पेपर ट्रेल का प्रोविजन करने का जो
मानस बनाया है चुनाव आयोग ने, मुझे लगता है प्रोविजन अभी क्योंकि तुरंत में तो संभव नहीं है, क्योंकि चुनाव जो है वो लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति है और वहां पर यदि गड़बड़ी होती है तो पूरा लोकतंत्र दांव पर लग जाता है। तो बहुत दिनों से हम स्वयं भी चुनाव सुधार के लिए प्रधानमंत्री जी से लेकर के सरकार के तमाम रामलीला मैदान के पहले आंदोलन से लेकर के हम लगातार सरकार को कहते रहे भाई अनिवार्य मतदान से लेकर के ईवीएम मशीन के साथ में जो है ये पेपर ट्रेल के प्रोविजन से लेकर के ये प्रोविजन होने चाहिए, और भी हमने स्टेट फंडिंग इलेक्शन आदि के और जो है नो वोटिंग आदि के प्रोविजन के लिए हमने बार बार हमने भी आग्रह किया, बहुत से समाज सेवी इस काम में लगे रहे, आदरणीय सुब्रमण्यम स्वामी जी ने भी इसके लिए प्रयास किया, आदरणीय अन्ना हजारे जी ने भी इसके लिए प्रयास किया, नो वोटिंग वाला उनका भी बहुत दिनों से उनके मन का संकल्प था। तो चुनाव आयोग भी एक कुछ आदर्श कीर्तिमान बना रहा है, वैसे हमारे ऊपर कुछ ज्यादा ही मेहरबान है चुनाव आयोग, उसके लिए भी उनको शुक्रिया है, लेकिन मैं विनम्रता पूर्वक कहना चाहूंगा इस देश में हर एक नागरिक को अपनी बात कहने की आजादी है, इतने भी ज्यादा हम पर पाबंदी ना लगाई जाए कि हम कुछ बोल ही ना पाए। हम ने योग का कार्यक्रम की अनुमति ली है तो हम योग दीक्षा ही देते हैं और योग के साथ देश की बात तो करनी ही पड़ेगी भैया, देह तो बचना चाहिए लेकिन देश ही बचेगा तो देह कहां रहेगा, कोई आसमान में थोड़ी लटकेगा। तो इसमें मुझे लगता है चुनाव आयोग से हमारा विनम्र निवेदन है कि वो इतनी भी जाति ना करे कि हमारे जहां कार्यक्रम हो, जहां हमारे आयोजक हो, कार्यकर्ता हो, सभी के जो है 24 घंटा हमारे साथ कैमरे लगा दिए जाएं और कार्यकर्ताओं को थानों में बैठा बैठा करके रिकॉर्डिंग करवाएं, ये चुनाव आयोग के निर्देश पर हो रही है या ये दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार के निर्देश पर हो रही है, मुझे तो अभी भी इसका पूरा पता नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग इतनी जाति नहीं कर सकता। हां, कांग्रेस इस देश के लोगों के मुंह पर ताले, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां डालनी चाहती है और वो इस लोकतंत्र का तो पहले गला घोट चुकी है, संविधान की हत्या पहले ही कर चुकी है, संसद को कुछ मानती नहीं है क्योंकि वहां तो एक सुप्रीम संसद, सुप्रीम कैबिनेट, सुप्रीम प्राइम मिनिस्टर ऑलरेडी पहले से ही एक एक नहीं दो दो काम कर रहे हैं मैडम जी और उनका शहजादा। तो ये ठीक नहीं है कि चारों तरफ से कुछ ऐसा वातावरण बन जाए, क्योंकि इस समय कांग्रेस को अपनी महापराजय दिख रही है और चारों स्टेट में तो कांग्रेस चारों खाने चित्त होने वाली है और उसके बाद ये राजनीति का डूबता हुआ जहां 2014 तक दम तोड़ देगा। मैंने पहले भी कहा, मैं फिर दोहराना चाहता हूं, जिस तरह से देश में वातावरण बन रहा है, एक नई सरकार उसमें 300 से ज्यादा एमपी जीतेंगे, कांग्रेस 100 से भी कम सीटों पर सिमट जाएगी और क्योंकि कांग्रेस का कोई भविष्य भी नहीं दिखता, इसलिए देश के लोग अपना देश का भविष्य उस पर दांव पर नहीं लगाएंगे। आदरणीय सोनिया गांधी जी की तबीयत नासाज रहती है और जिसके ऊपर फिर दारमदार है और जो उपाध्यक्ष है इस समय कांग्रेस के, आदरणीय श्री राहुल गांधी जी में वो करिश्माई व्यक्तित्व नहीं है कि वो मोदी जैसे एक फौलादी पुरुष का मुकाबला कर सके। इसलिए हिंदुस्तान की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव सन्निकट है और चारों तरफ क्योंकि निराशा का वातावरण बना हुआ था, राजनीतिक नेतृत्व की दिशा में शून्य जैसा नजर आता था, ऐसे में भारत एक बड़े बदलाव की ओर आगे बढ़ रहा है। जिस तरह से हजारों नहीं लाखों करोड़ के घोटाले और भ्रष्टाचार तो कदम कदम पर देश को दीमक की तरह खा रहा था और सिस्टम को बदलने का कोई सांस नहीं कर पा रहा था, आदरणीय राहुल गांधी जी कहते हैं कि हम देश को बदलेंगे। अरे भैया, 10 साल आदरणीय राहुल गांधी जी के पॉलिटिकल करियर को हो गए और 10 ही साल करीब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के करियर को हो गए। मोदी जी को अपनी काबिलियत दिखाने के लिए मिला था गुजरात और आदरणीय राहुल गांधी जी को मिला था पूरा देश। गुजरात से नरेंद्र मोदी देश और दुनिया में छा गया,
और राहुल गांधी जी सुप्रीम पीएम, सुप्रीम कैबिनेट, संविधान और लोकतंत्र से भी ज्यादा ताकतवर होने के बाद वो हीरो से जीरो हो गए। लोगों में उनके लिए कोई क्रेज नहीं है, कोई आशा नहीं दिखती है उनमें। अरे भैया 10 साल में जब तुमने नहीं बदला, आपके हाथों में सब कुछ था, तो आगे कैसे बदल दोगे, देश कैसे तुम पर भरोसा करे। अब इसे बौखलाए हुए हैं। तो बाबा रामदेव को सेल टैक्स, इनकम टैक्स, सीबीआई रोक ना पाए तो हिथ्रो में बोला हम तुम्हें रोकेंगे, वहां बहादुर दिखाई 8 घंटा हमको रोक करके। और अभी भी हर दिन झूठे आरोप घटते रहते हैं, सारे पीछे लगाई, सारे केस हम जीत रहे हैं कोर्ट में, इनकम टैक्स के भी, सेल टैक्स के भी, ईडी के भी और सीबीआई भी, क्योंकि ये तो भाई आप इनकी एजेंसी है, किसी के ऊपर भी लगा दे। जिस दिन आप पर भी नाराज हो जाएंगे तो आपके चैनल पर भी लगा देंगे, आपके चैनल को बंद भी कर देंगे। एक राजनीतिक अराजकता, सांप्रदायिक अराजकता कि और देश बढ़ रहा है, इसको बचाना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूं मेरे लिए मेरा जितना संन्यास धर्म, योग धर्म जितना पवित्र है, उससे भी बड़ा पवित्र है मेरे लिए मेरा राष्ट्र धर्म। और यही परंपरा हमारे पुरखों की रही है, उनको भी बहुत कष्ट दिए गए, उनके सामने तो हमको नाखून के बराबर भी कष्ट नहीं मिल रहा, क्या कष्ट नहीं से हमारे पुरखों ने। तो हमने कहा जैसे एक होता है ना, वेदर प्रूफ, वाटर प्रूफ, फायर प्रूफ, बुलेट प्रूफ आदि होते हैं, तो हमने अपने आप को गाली प्रूफ बना लिया, गोली प्रूफ तो बन नहीं सकते थे। जितनी भी गोलियां गालियां दे सहते रहेंगे, लेकिन देश के लिए काम करेंगे। आपका कोई प्रश्न हो तो आमंत्रित करें। तो सीधा आरोप लगाया है कांग्रेस केंद्र सरकार पर, और साफ तौर पर कहा बाबा रामदेव ने कि उन्हें जानबूझकर फंसाने की कोशिश की जाती है क्योंकि वो लगातार नरेंद्र मोदी के समर्थक में हैं। और साथ ही ये भी कहा कि नरेंद्र मोदी ही अब विकल्प हैं, नरेंद्र मोदी ने अपनी काबिलियत को साबित किया है हर मोर्चे पर। तो खबरों में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद।